हेलो व्यूअर, जावटा प्रिपरेशन कंपेटिव एग्जाम पर वेलकम करते हैं। आज की वीडियो में हम तीन पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर्स हैं, लीडर्स मीन जो फ्यूचर के अंदर प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट्स हैं, उनकी कुछ जो है वो बैकग्राउंड जो है उनके बारे में हम देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे और आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान हैं। सेकंड नंबर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जो सीनियर नायब सदर हैं उनकी मरियम नवाज़ हैं हमारे पास। और थर्ड वर्ड पे ऊपर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी। फर्स्ट वन पे इमरान खान का देखते हैं उनकी एजुकेशन क्या है। तो उन्होंने मास्टर्स किया हुआ है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, और टैलेंट के बल पर उन्होंने जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिला लिया था। मरियम नवाज़ जो है वो मास्टर्स हैं लाहौर के अंदर, और बाप के बलबूते पर दाखिला लिया। थर्ड नंबर पे ऊपर हमारे पास हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, और उन्होंने ऑक्सफोर्ड की में बैचलर्स किया हुआ है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। और जो हमारे पास ये डिटेल हैं कि वो उन्होंने जो है वो सिफारिश लगाकर वहाँ पर एडमिशन लिया। उसके बाद जो है वो प्रोफेशनल कमाई के बारे में बात की जाए और प्रोफेशन के बारे में बात किया जाए, तो उन्होंने 21 साल जो है इमरान खान ने प्रोफेशनल काउंटी जो है वो खेली। दुनिया के महंगे तरीन क्रिकेटर में से एक हैं, 6 किताबों के राइटर्स हैं क्रिकेट के अंदर, कमेंट्री और डिफरेंट जो है वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एज ए गेस्ट स्पीकर और जो है वो एज ए मेंटोर जो है उन्होंने लेक्चर्स दिए हैं। मरियम नवाज़ के बारे में कहते हैं कि ज़िंदगी में ना एक दिन भी नौकरी नहीं की, ना कोई कारोबार किया है और ना कोई जायज़ आमदन है। बाप के हाथों कौम की लूटी हुई दौलत पर अरबपति बनी हुई हैं। सेम सिचुएशन जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी की है, ना उन्होंने कोई नौकरी की है, ना कोई कारोबार किया है और ना कोई अपनी सेल्फ आमदनी है। बाप के हाथों कौम की लूटी हुई दौलत पर अरबपति बने बैठे हैं। सोशल वर्क की बात की जाए तो इमरान खान ने 2 कैंसर हॉस्पिटल्स, शौकत खानम लाहौर, शौकत खानम पेशावर, और थर्ड हॉस्पिटल जो है वो शौकत खानम जो है वो कराची बन रहा है, नमर यूनिवर्सिटी और इमरान खान फाउंडेशन। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज़ ने कोई सोशल वर्क अभी तक नहीं किया। सियासी जदोजहद की बात की जाए तो इमरान खान ने 44 साल की उम्र में नई सियासी पार्टी तहरीक इंसाफ बनाई, 22 साल अपोजिशन में रहे, 2.25 करोड़ वोट लेकर वजीर आजम बने। और मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो को विरासत में जो है वो बाप से पार्टी मिल गई, और बिलावल को जो है वो विरासत में पार्टी जो है वालदा से मिली। दुनिया में वजह शोहरत क्या है? इमरान खान की क्रिकेट हीरो रहे, कैंसर हॉस्पिटल बनाए, नवर यूनिवर्सिटी और आलमी स्टेटस मैन है। मरियम नवाज के बारे में कैबलरी जालसाजी, कतरी हद और करप्शन पर जेल, मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान का मीडिया कह रहा है, पाकिस्तान की अदालतों ने उनको सजा दी। बिलावल भुट्टो के बारे में, भुट्टो का नवासा है, जरदारी का बेटा है और करप्शन केसेस उसके वालिद साहब के ऊपर।